नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अपने 3 में से 3 मैच जीतने के बाद अब बांग्लादेश के खिलाफ भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसी को लेकर भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कई धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी करा दी है, जिसको देखकर बांग्लादेश की टीम के कप्तान शाकिब अल हसन ने मैच शुरू होने से पहले ही अपने हथियार डाल दिए हैं और हार स्वीकार कर ली है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला महामुकाबला जल्दी होगा, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जिस महामुकाबले का क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह मुकाबला 19 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला है। यह महामुकाबला दोपहर 2 बजे से पुणे में खेला जाएगा। इसी को लेकर टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पूरी तरह से बदल दी है, जिससे भारतीय टीम और भी मजबूत हुई है। तो वहीं बांग्लादेश की टीम के लिए यह महामुकाबला काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि अगर उसे वर्ल्ड कप 2023 में बने रहना है तो यह मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा, क्योंकि टीम ने अभी तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 2 में हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं 1 जीत मिली है। अगर यह मुकाबला बांग्लादेश की टीम हारती है तो वह वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकती है। तो वहीं भारतीय टीम के लिए भी यह मुकाबला काफ़ी अहम होना वाला है, क्योंकि अगर भारतीय टीम यह मैच जीतती है तो वह सेमीफाइनल के और करीब पहुँच जाएगी। इसलिए भारतीय टीम इस महामुकाबले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। इसी को लेकर टीम के हेड कोच ने धाकड़ खिलाड़ियों की एंट्री कराई है। इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने शार्दुल ठाकुर जैसे धाकड़ खिलाड़ियों को बाहर किया है, तो वहीं इस महामुकाबले के लिए सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में एंट्री हो गई है, जिसे देखकर बांग्लादेश ने मैच शुरू होने से पहले ही अपने हथियार डाल चुके हैं, क्योंकि अभी तक भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप में 4 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 3 बार जीत का परचम ले रहा है, तो वहीं बांग्लादेश की टीम अभी तक खाता नहीं खोल सकी है। तो वहीं एक मैच बेनतीजा रहा था, यही शाकिब अल हसन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो वहीं भारतीय टीम के लिए भी बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि इस समय भारतीय टीम के पूरे बल्लेबाज तथा गेंदबाज फॉर्म में चल रहे हैं, इसीलिए टीम इंडिया के लिए इस महामुकाबले में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इस महामुकाबले के लिए टीम के कप्तान रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने इस प्रकार की प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरते हुए दिखाई देंगे, जहां पर टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी करते हुए दिखाई देगी शुभमन गिल और रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा इस समय वर्ल्ड कप में बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं, जहां पर उन्होंने 3 मुकाबले में अभी तक 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, जिसमें उन्होंने पिछले सबसे बड़े महामुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ शानदार 86 रन की पारी खेली और भारतीय टीम को जीत दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो वहीं शुभमन गिल भी अभी तक एक ही मुकाबला खेला है वर्ल्ड कप में, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया और पाकिस्तान के खिलाफ मात्र 13 रन ही बना सके, लेकिन फैंस के लिए उम्मीद है कि वह इस महामुकाबले में जरूर रन बनाएंगे और टीम को लिए एक अच्छी खुशखबरी देंगे। इसके बाद 3 नंबर पर एक बार फिर से विराट कोहली का इस महामुकाबले में खेला जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि विराट कोहली को अगर वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भारतीय टीम वर्ल्ड कप पर जीत की प्रबल दावेदार मानी जाएगी, क्योंकि विराट कोहली हमेशा से ही बड़े टूर्नामेंट में रन बनाते आए हैं। इसके बाद 4 नंबर पर टीम इंडिया में एक इस महामुकाबले के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां पर श्रेयस अय्यर की जगह इस समय T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को इस महामुकाबले में मौका दिया जा सकता है। हालाँकि रोहित शर्मा, देखना होगा कि अब इस दोनों खिलाड़ियों में से किसको इस महामुकाबले में खेलने का मौका देंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत दिलाई थी। इसके बाद 5 नंबर के लिए एक बार फिर से विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल का खेला जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में अभी तक अच्छा ही प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं और 1 अर्धशतक लगाया है, जिसमें सबसे अधिक रन उन्होंने 97 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही महामुकाबले में बनाए थे। इसके बाद 6 नंबर के लिए टीम के पास
यह धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या मौजूद हैं, जो अभी तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और इसके बाद 7 नंबर पर टीम के पास रविंद्र जडेजा जैसे धाकड़ ऑलराउंडर मौजूद हैं, जो अपनी बल्लेबाजी तथा बॉलिंग से विरोधी टीम को पस्त करने में माहिर हैं, इसलिए उनका इस नंबर पर को खेला जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके बाद 8 नंबर पर के लिए कुलदीप यादव जैसे चाइना मैन गेंदबाज हैं, हालांकि उनको इस महामुकाबले से रेस्ट देकर रविचंद्र अश्विन को खिलाया जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि रोहित इस महामुकाबले में किसको मौका देते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव ने अभी तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके बाद 9 नंबर के लिए जसप्रीत बुमराह का खेला जाना तय है, क्योंकि अभी तक जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने 3 मुकाबले में 7 विकेट लिए हैं। इसके बाद 10 नंबर पर दोबारा से फॉर्म में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज मौजूद हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार वापसी की और 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। इसके बाद 11वें नंबर के लिए टीम में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां पर शार्दुल ठाकुर की जगह इस महामुकाबले में मोहम्मद शमी को मौका मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने मात्र 1 ही विकेट लिया है, इसलिए इस महामुकाबले में उनको टीम से बाहर किया जा सकता है। इसी प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम बांग्लादेश को कुचलने के लिए मैदान पर उतरेगी। आपके अकॉर्डिंग इसमें किस खिलाड़ी को और मौका देना चाहिए या प्लेइंग 11 से बाहर किया जाना चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूरी बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।